वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी हम दोनों हो गए रेडी, रितेश और मैं। और प्लान ऐसा है कि रितेश का मन था बहुत घूमने का, तो हमने मतलब कल रात से हम डिसाइड कर रहे थे कि कहीं जाएंगे घूमने। तो सडनली पूरा दिन, अभी दिन के 2 बज चुके हैं और अब जाके हमारा प्लान बना है यमुनोत्री जाने का। तो यमुनोत्री जाने का रीज़न ऐसा है कि मेरे दो धाम तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज जैसे कि कल 4 धाम भी पूरे खुलने वाले हैं और 3 धाम तो खुल चुके हैं। तो यमुनोत्री करेंगे पहले हम, और फिर वहीं से गंगोत्री जाएंगे, या फिर पहले गंगोत्री यमुनोत्री, जो आप रास्ते में देख लेंगे जैसे भी होगा। तो अभी हम हैं रूम पे अपने, और हमारा सामान वगैरह सब पैक है, एक ही बैग में दोनों का सामान आ गया। तो मेरे ख्याल से आज ट्यूसडे है, तो हम 3-4 दिन में कवर कर लेंगे। तो अभी निकलते हैं फटाफट, क्योंकि दिन के 2 बजे हैं और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो बन रही है वीडियो में, मिलते हैं अभी आगे। चलें, चल फिर, लेट्स गो। तो अभी हम निकल रहे हैं घर से, भाभी को हमने सब बता दिया है कि हम जा रहे हैं, हम आएंगे 3-4 दिन बाद। तो बस रेडी, आज टमाटर आलू गोभी भिंडे। आजकल नौकरी नहीं मेरे पास। तो भाई अभी क्या है कि 4 धाम यात्रा ओपन हो चुकी है उत्तराखंड में, और देखो जाम देखो कितना भयंकर लगा है। सारा ट्रैफिक ऐसा ही रहेगा, जबकि आज ट्यूसडे है, हॉलीडे भी नहीं है, और फिर भी इतना ट्रैफिक है इसमें। अभी सारी गाड़ियाँ ऊपर 4 धाम के लिए निकल गई है, वो भी आज दूसरा तीसरा दिन है 4 धाम खुलने का। भाई बहुत भीड़ होने वाली रास्ते में, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे देखते हैं। अभी ऋषिकेश में ही है। तो अभी हम रुके हैं यहाँ पे आगरा खाल के बगल में, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ खाएंगे। सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया, भूख लग रही है। तो ये होटल है, यहाँ पे हम ऐसा रुकते हैं, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट भी का लंच हो गया अब, तो उसके बाद निकलेंगे यहाँ से आगे। तो भाई सुबह से कुछ खाया नहीं है अभी तक, और अब जाके हमारे सुबह से ब्रेकफास्ट, समझ लो ब्रेकफास्ट अब हो रहा है हमारा। आया 2 पराठे, 2 पराठे और चाय फास्ट लंच करके हम निकलते हैं फटाफट। अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, अब हम रुकेंगे सीधा 1-2 घंटे बाद देखते हैं कहीं पे अगर लोकेशन होगी ढंग की, कुछ बैठने के, थकान लगे, चाय पीने के, रुक जाएंगे। तो वैसे रुकेंगे नहीं, अभी निकलते हैं फटाफट यहाँ से, 2-3 पराठे खा के सेट टाइम से फिट होते हैं बाइक से फटाफट। तो यहाँ पर ना एक बस खड़ी हो रखी है, तो शायद ये लोग भी ना 4 धाम जा रहे हैं। गंगोत्री 4 धाम जा रहे हो? 4 धाम, 4 धाम नहीं, ओनली गंगोत्री। तो ये लोग सिर्फ गंगोत्री जा रहे हैं। तो भाई जैसे ही हम चंबा के पार आए, चंबा क्रॉस करा हमने, एकदम से मौसम ही चेंज हो गया पूरा। इस तरफ उस तरफ पूरी धूप है, और इस तरफ पूरा बारिश का मौसम बन गया। सबसे बड़ी गलती है हमने जैकेट वगैरह रेनकोट वगैरह भी लेके गया, यहाँ मतलब पूरा मौसम ही एकदम चेंज हो गया ना। तो भाई आप हालत देख रहे हो कैसे होगी, 2 मिनट में वहाँ से यहाँ पहुँचने में हालत कैसे होगी पूरी हालत। तो अभी हमें डोबरा चांटी के पास में, डोबरा चांटी का पुल सामने पे ही, और यहाँ पे ना हम रुके हैं चाय पीने। तो अभी तक हम बारिश में एंजॉय कर रहे थे, बारिश के मज़े ले रहे थे, और अब यहाँ पे बारिश ने पूरा मूड ख़राब कर दिया यार। पूरा भीग गया हमें, देख रहे, पूरे कपड़े गिले मेरे, जूते रंग की। तो यहाँ बारिश हो रही है, कह रहे हैं कि 2 घंटे से बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अगर आगे भी बारिश ऐसी पड़ती रही ना, मतलब बहुत बुरे हाल होने वाले हैं आज। कुछ है भी नहीं हमारा, ये अनप्लान ट्रिप था, कुछ भी ऐसा लेके नहीं आ रहा। तो अच्छा हुआ कि गलती से मैंने 2 रेनकोट रख लिए, और कुछ जैकेट वगैरह एक ही है बस। तो भाई किसी भी हाल में बारिश रुक जाए। ये सामने झील है, आजकल झील का पानी बहुत कम हो रखा है, बहुत कम। मैं
चाय चुई पी ली हमने अभी और मस्त ढंग से अपना रेन कोट पहन लिया मैंने पूरा और नीचे से लोवर ही पहन लिया। और अब पहनने के बाद ना जैसे मैंने रेनकोट वगैरह पहना अब बारिश रुक गई यहाँ पे। अब क्या करें, अब बारिश रुक गया, हम रेनकोट वगैरह पहनेंगे अब इसके बाद अभी निकलते हैं आगे। तो सामने से दीदी हमारी फोटो खींचेगी ना, तो चल जाते हैं आगे पूरी खींचना। तो भाई अभी हम खाना दे दिया भैया ने हमें और भूख लगी है बहुत जल्दी, बहुत तेज भूख लगी है। तो बस फटाफट से खाना खाएंगे और फिर जल्दी सो जाएंगे। तो भाई जी भी अपने ये लोकल से हैं और काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी ढंग से हैं, मतलब अच्छा रूम, अच्छा साफ़ सुथरा है। मतलब यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि यहाँ इतना साफ़ रूम मिल सकता है यमुनोत्री की तरह। काफ़ी साफ है, अच्छा है, मतलब रहना खाना सब, खाना ही बहुत टेस्टी है। खाना देखो हमारा, की थाली का रेट है 150 रुपये, जिसमें आती है 4 रोटी, सब्जी, दाल और दही वगैरह भी आते हैं। दही हमने ली नहीं, आज ठंड है ना, बारिश में भीगे रास्ते में, तो दही ली नहीं। तो भाई कैसा रहा आज का ट्रिप? बढ़िया, बहुत प्यारी जगह है। अभी तो रात को, अभी हम रात में आए ना तो इतना नहीं देखा हमने, सुबह जब जाएंगे ना तब दिखाऊंगा मैं आपको लोगों को ना। हाँ लोग भी बहुत प्यारे हैं, मतलब लोगों का जो व्यवहार है ना, व्यवहार और बात करने का तरीका है ना, वो बहुत प्यारा है और होना यही चाहिए। अपने उत्तराखंड वालों से यही उम्मीद है, हर जगह ऐसे व्यवहार बना के रखें तो ही जाके लोग आएंगे। अच्छा व्यवहार देखे लोग आते हैं भाई। और हमें रूम भी बहुत, मतलब चीप मिला है हमें यहाँ, काफ़ी सस्ता। सीजन के टाइम पर कोई बोल रहा था कि 5-6 हज़ार रुपये मिलेंगे, भाई इतना हुआ नहीं। 1000 रुपये का रूम कोई बड़ी बात नहीं है, तब ठीक है, मतलब बढ़िया नॉर्मल यहाँ पे। तो ये होटल है यहाँ पे, अभी कल दिखाऊंगा इसका नाम कहाँ पे है। यमुनोत्री रोड पे ही है, यमुनोत्री से 30 से 35 किलोमीटर, बड़कोट के बाद, बड़कोट से कम से कम 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कल दिखाऊंगा आप लोगों को इस होटल का रूम। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे हम, फिर कल से नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी खाना खाते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो अभी हम आ गए हैं खाना खुना खा के। तो रितेश तो अभी बैठा हुआ है ऊपर, मैं तो आ गया खाना खाके और टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। जल्दी से सोता हूँ यार, सुबह जल्दी उठना है। तो सुबह 6 बजे उठेंगे, 6-7 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे यमुनोत्री के लिए और फिर वहीं नहाएंगे, हॉट वाटर पीएंगे, फिर दर्शन करके यमुनोत्री से आराम से दर्शन दुर्शन करके जल्दी वापस आएंगे। फिर शाम को मेरी क्लास है, वो क्लास यहीं पर इसी होटल में, मैंने बात करी है भैया से, इन्हीं के साथ यहीं होटल में क्लास दूंगा, फिर यहीं से हम निकलेंगे गंगोत्री के लिए। तो अभी फटाफट से सोते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज का ब्लॉग देख के, रास्ते का व्यू देख के सारा मज़ा आया होगा, आपको एंजॉय किया होगा। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद कर लेंगे यार। तो मिलते हैं अभी कल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।